जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग चौकी के नजदीक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी ने कंट्रोल रूम को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिन्हें देखकर पथराव कर रहे उपद्रवी फरार हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। पथराव की घटना CCTV में कैद हो गई है। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग चौकी के ठीक सामने एक ही समुदाय के दो पक्षों में चारे की बुग्गी निकालने के रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जमकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय निवासी रहीम के अनुसार दोनों पक्षों में जंगल जाने को विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों में जमकर पथराव हुआ। यहां पर सड़क पर नाली का निर्माण हो रहा था, दोनों ही पक्षों ने सड़क से पत्थर उठाकर एक दूसरे पर पथराव किया है। यहां मौजूद पुलिस कर्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी दोनों ही पक्ष नहीं रुके और काफी देर तक दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल जाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों ही पक्षों में पथराव हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही हम लोग घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और इस वक्त स्थिति सामान्य है, आरोपी फरार हो गए हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ दो समुदाय के दो लोग हैं जिनको बुग्गी को ले जाने को लेकर आपस में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद यहाँ नदी के पार इस पार आए और कुछ नाली बन रही थी, नाली में कुछ ईंट पड़े थे तो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हालांकि कोई घायल तो नहीं है, लेकिन इनके घर पर दबिश दी गई, अभी सब फरार हैं। जिसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है, विधिक कार्रवाई तो की जाएगी। हसनपुर प्रिंट मीडिया के पत्रकार को दरोगा ने वीडियो बनाने पर सिपाही के साथ मिलकर जमकर पीटा। तहसील हसनपुर के रहरा चौकी क्षेत्र के कस्बा रहरा में जहां एक दरोगा एक पुलिसकर्मी के साथ सादा वर्दी में प्राइवेट गाड़ी से ठेले वालों एवं लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत दरोगा ने जमकर कोहराम मचाया। वहीं जब इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने मोबाइल में कैद करनी चाही तो दरोगा ने पुलिसकर्मी के साथ मिलकर प्रिंट मीडिया पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रिंट मीडिया का पत्रकार किडनी का पेशेंट बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी दरोगा ने जरा सा भी रहम नहीं किया। एक तरफ तो योगी सरकार पत्रकारों के साथ पुलिस से सही व्यवहार करने के निर्देश दे रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार में ही पुलिस एवं बदमाशों का रवैया खुलकर सामने आ रहा है। कहीं पत्रकारों को गोली मारी जा रही है तो कहीं पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, लेकिन पुलिस महकमा जानकर भी अनजान बना हुआ है, मामले में कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही आलम रहा तो पत्रकारों को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी और खाकी ही पत्रकारों की पिटाई करती रहेगी। बड़े बड़े बदमाशों की खाकी से मिली भगत है, उसका जीता जागता प्रमाण विकास दुबे है, जिसके लिंक में रहने के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ऐसे ही आए दिन पत्रकार पिटते रहेंगे तो लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। वहीं पत्रकार की पत्नी ने मांग करते हुए कहा कि अधिक मात्रा में शराब पिए हुए दरोगा द्वारा उनके 3 साल से बीमार पति के साथ बेरहमी से नीचे लिटाकर मारपीट की, उसके बाद उनको गाड़ी में डालकर गलत इरादे से ले जाया जा रहा था, लेकिन पत्रकार की पत्नी एवं स्थानीय लोगों ने पत्रकार को बचा लिया। अगर ऐसे ही पुलिस दबंग बनी रही तो पत्रकारों की हत्या होना लाजमी है। ऐसे शराबी एवं भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जबकि आला अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। मैं दीपा त्यागी, वाइफ ऑफ वीरेंद्र कुमार त्यागी, थाना आदमपुर चौकी रहरा निवासी रहरा की हूँ। चौकी से शाम एक सादी वर्दी में दरोगा आकर मारपीट में बदतमीजी करने लगता है। इस पर मेरे पति वीरेंद्र कुमार त्यागी एक स्थानीय पत्रकार हैं, वो इस मामले की क्लिक करने लगे तो इस पर दरोगा ने नाराज होकर उनके मोबाइल को छीना और उनसे बदतमीजी करी, उन्हें नीचे गिरा दिया और आग पे चोट भी मारी और गाड़ी में
उन्हें जबरदस्ती लिटाना शुरू कर दिया। इस पर मैंने और कुछ स्थानीय लोगों ने आकर उन्हें रोका, तब मैं अपने पति को बचा पाई। वे विदाउट यूनिफॉर्म थे और निजी गाड़ी से थे वो, मतलब पुलिस की गाड़ी में नहीं थे, वो अपनी निजी वाहन से थे और विदाउट यूनिफॉर्म थे, और उन्होंने बहुत ही जाकर और वो बहुत मात्रा में शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में आकर उन्होंने ये सारी बदतमीजी की। मेरे पति 2.5 साल से गंभीर रूप से बीमार है। उनकी किडनी और लीवर का इलाज मेरठ से चल रहा है। वो सही से बोल भी नहीं सकते। संभल के जाफरपुर गांव में दो पक्षों में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र गांव जाफरपुर में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग में संजू पुत्र विजेंद्र के पेट में गोली लगने से इलाज के दौरान अलीगढ़ अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि पकड़ा गया अपराधी थाना गुन्नौर में एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। संजू ने किसी पड़ोसी की जमीन जोत दी थी। उस व्यक्ति ने हमसे शिकायत की, हमने संजू से इसी बात को लेकर शिकायत की थी। संजू एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। संजू ने बहुत संपत्ति जब्त कर रखी थी। इसी संपत्ति से एक विशाल मकान बनवा रहा था। उसके चाल चलन को देखकर कोई भी गांव में उसके यहाँ मजदूरी करने को तैयार नहीं था। पड़ोसी गांव पुटरी के मजदूर उसके विशाल कायम मकान को बनवा रहे थे। पकड़े गए महिपाल पुत्र सुदान ने बताया कि मेरे पक्ष द्वारा उन मजदूरों को कहा गया कि तुम ऐसे व्यक्ति का मकान बना रहे हो जो कि जगह जगह जमीन पर कब्जा करता है। इसी बात को लेकर उन मजदूरों ने संजू से कह दिया, जिस पर संजू हमें मारने पीटने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे गोली संजू को जा लगी और उसके इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हो गई। पुलिस ने जगन्नाथ मंदिर से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। बाकी अपराधी जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। है एक मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, गोली मार करके संजू की हत्या हो गई थी। उसी वांछित चला था, उस समय मुकदमा प्रसंग 575/20 दर्ज हुआ था। तत्काल में दो मुलजिम पकड़े गए, उनको जेल भेजा गया था। ये चंद्रकेश पुत्र शिवदान सिंह उसी वांछित चला था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर जो प्रयुक्त कट्टा और कारतूस थे उन बरामद किया गया, आज उसे भी जेल भेजा जा रहा है। कितने आरोपियों को अब तक जेल भेजा चुका है? अभी तक 3 आरोपियों को जेल भेजा चुका है और भी वांछित चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है और दबिश टीमें लगातार चल रही हैं। जैसे ही और गिरफ्तारी होती है उनको भी जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के विरोध में गुरुवार को मुरादाबाद के पत्रकारों ने पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के तत्वावधान में पत्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अम्बेडकर पार्क पर एकत्रित हुए और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुँचे और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। इस दौरान मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद युवा पत्रकार विक्रम जोशी की मासूम बच्ची के सामने निर्मम हत्या कर दी गई। यदि समय रहते स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती तो शायद ये घटना होने से बच जाती। हमारी मांग है कि पत्रकार व पत्रकारिता को हानि पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाए, जिससे पत्रकारिता को अच्छा माहौल मिल सके और पत्रकार बेखौफ होकर पत्रकारिता जारी रख सके। उन्होंने कहा कि संगठन मांग करता है कि पत्रकारों के उत्पीड़न और पत्रकारिता के दामन को रोकने हेतु उचित कदम उठाए जाएं, साथ ही पत्रकारों सहित उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में राजीव शर्मा, सुशील कुमार सिंह, मोहम्मद इमरान, अंकित शर्मा, शरद गौतम, प्रशांत शर्मा, आकाश शर्मा, आशु खान, यासीन मलिक, मयंक व्यास, आशु गौतम, सकलेन, मनोज कश्यप, राजेश राजा, काशिफ खान, हिमांशु शुक्ला, सुनील कुमार, कमलदीप सिंह, अंशुल चौहान, शाहरुख हुसैन, आर के राजू, वैभव, हर्षित ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अमन सागर सहित कई पत्रकार शामिल रहे। सही तो है। जी देखिए, आपने ये कौन से क्लब के माध्यम से क्या देखिए, आज मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब मुरादाबाद की तरफ से एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ प्रेषित किया गया हैगा। विषय था गाजियाबाद के एक हमारे पत्रकार साथी विक्रम जोशी की हत्या, बड़ी निर्मम हत्या उसकी की गई। एक छोटी बच्ची के सामने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। क्लब संगठन और सारे पत्रकार साथी इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग की गई है कि ज्ञापन के माध्यम से कि पत्रकारिता के लिए एक बहुत अच्छा सा माहौल प्रदान किया जाए, जिससे सारे पत्रकार बेखौफ होकर
फील्ड में काम कर सकें। हालात को देखते हुए लग रहा है कि पत्रकार और पत्रकारिता का दमन हो रहा है, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से विक्रम जोशी के मामले की बात सामने आई थी कि उसने पहले से ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था और पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया, शायद एक्शन लिया गया होता तो आज प्रांशु जोशी हम लोगों के बीच में होता, लेकिन विक्रम जोशी हम लोगों के बीच में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इसमें, ये जिसकी सारे लोग भर्सना करते हैं। इसके अलावा भी पत्रकारों के साथ उत्पीड़न के मामले बहुत सारे सामने आते हैं, पत्रकार और पत्रकारों के परिवारों का भी उत्पीड़न किया जाता है। मुख्यमंत्री जी से मांग यही की गई है कि पत्रकारों के और पत्रकारों के परिवारों के उत्पीड़न को रोका जाए, एक अच्छा माहौल हमें प्रदान किया जाए जिससे हम पत्रकारिता बेखौफ होकर और खुले रूप से कर सकें। ज्ञापन के लिए क्या कहते हैं? देखिए, ज्ञापन की ये कोरोना काल चल रहा है, ज्ञापन की एक प्रोटोकॉल है उसमें कि किसी भी कागज़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन DM साहब को और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देंगे। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी के हत्यारों को सजा की मांग को लेकर DM को सौंपा ज्ञापन। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में पत्रकार समाज कल्याण समिति द्वारा आए पत्रकारों ने गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के आरोपियों को सजा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जनपद अमरोहा में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखकर जिलाधिकारी श्री उमेश को सौंपते हुए दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की है। जानकारी देते हुए पत्रकार रोहित कुमार व अन्य पत्रकारों ने बताया कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद परिजनों को समय व्यतीत करने के लिए मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तथा पत्रकारों पर हो रहे आए दिन जानलेवा हमलों व फर्जी मुकदमों को रोका जाए। पहले से ही पत्रकारों पर हमले व फर्जी मुकदमे होते आ रहे हैं, जबकि पत्रकार अपनी जान की परवाह न करके कवरेज करता है और सच्चाई को सबके सामने लाता है, फिर भी सरकार व पुलिस का व्यवहार पत्रकार के हित में नहीं रहता। बताइए, आज आपका किरदार हुआ है क्या मामला? देखिए, मैं पत्रकार रोहित कुमार, आज हम पत्रकार समाज कल्याण समिति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनका उपचार के दौरान मौत हो गई है। वही प्रदेशीय पत्रकारों में आज रोष है और सभी प्रदेश के जितने पत्रकार हैं सभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप के उनके दोषियों को कार्यवाही के लिए आज ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनके जो परिवार के उनके बीवी बच्चे हैं उनको ये मांग दिलाई जाती है कि उनके जो है पालन पोषण के लिए पैसा या नौकरी की किसी सहायता प्रदान करें और आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले में भी दोषियों को आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। अमरोहा SDM में रॉयल्टी जमा न करने वाले 7 भट्टों को किया सील, अन्य लोगों को दी चेतावनी। बता दें कि अमरोहा तहसील क्षेत्र के SDM शशांक चौधरी जो IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अमरोहा में हाल ही में उप जिला अधिकारी का चार्ज संभाला है, उन्होंने अमरोहा में चार्ज संभालते ही बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज उन्होंने 7 भट्टों को रॉयल्टी जमा न करने के मामले में सील कर दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने रॉयल्टी जमा नहीं की थी, चेतावनी के बावजूद ये लोग रॉयल्टी जमा नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको सील कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर आगे भी कोई भट्टा स्वामी ऐसा करेगा तो उनके भट्टे को सील कर दिया जाएगा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बड़ी कार्यवाही करेंगे। 7 भट्टों के सील की कार्यवाही से भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया है। SDM ने कहा कि किसी के साथ भी बख्शीश नहीं होगी। ये भट्टों का मामला ये है कि इनकी इस साल की 19-20 की रॉयल्टी अभी तक जमा नहीं है, तो इनको हमने कई बार बताया भी, लिखा पढ़ी में भी इनको नोटिस दिए गए कि इनके अभी तक जमा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक जमा नहीं की गई है। तो इन भट्टों की ईंटों को और इनके ऑफिसेस को आज हमने सील कर दिया है। जब तक ये रॉयल्टी जमा नहीं करेंगे तब तक ये सीलिंग नहीं खुलेगी, जब रॉयल्टी जमा करते ही ये खोल दी जाएगी और ये अपना कारोबार आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कितने भट्टों पर कार्रवाई हुई है? अभी फिलहाल तो 2 भट्टों पर कार्रवाई हुई है, अभी और भट्टों पर भी कार्रवाई होगी। जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को कैंडल जलाकर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को कैंडल जलाकर एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की मदद करने तथा इस बीमारी को दूर करने में काफी डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, जिन्हें आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनुज वाषण ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने
आज श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो कोरोना बीमारी में जो डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं उनके लिए, शहीद डॉक्टरों के लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी दी है। और क्योंकि इस वक्त जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बीमारी फैली हुई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है बीमारी को दूर करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों की जो है हमदर्दी के लिए ये डॉक्टर्स लोग जो है हम यानी कि सहायता कर रहे हैं। और उसी को लेकर कोरोना बीमारी की वजह से डॉक्टर लोग जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है। हमारे चंदौसी के दो डॉक्टर जो हैं, एक गुप्ता जी और एक ये जावेद साहब जो हैं, इनका ये इसमें कोरोना बीमारी की वजह से ये है शहीद हो गए हैं। आज उन लोगों को भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमने अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर हैं शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि दी है। और सरकार से आज हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एक मांग और है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए शहीद का दर्जा दिया जाए, ये हमारी व्यापार मंडल की मांग है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज आई रिपोर्ट के बाद मुरादाबाद में 24 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 24 मरीजों में छजलेट थाना के एक सिपाही में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं अन्य सभी मरीज जिले के विभिन्न हॉटस्पॉट एरियाज के रहने वाले हैं। वहीं इन सभी लोगों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि CMO डॉक्टर MC गर्ग ने की है। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 के करीब पहुंच गई है। खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1069 हो गई है। इसमें 45 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 642 लोग कोरोना पर फतेह कर चुके हैं। ऐसे में मुरादाबाद में कोरोना के अब तक कुल 382 एक्टिव केस हैं। जनपद संभल के चंदौसी में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की 114वीं वर्षगांठ पर उन्हें माल्यार्पण कर नमन किया। जनपद संभल के चंदौसी में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी ने आज स्टेशन रोड स्थित भगत सिंह चौक पर बलिदानी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की 114वीं वर्षगांठ मनाई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्य वक्ता के रूप में मुदित गर्ग ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेना चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां पर संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। प्रोग्राम कराया यहां पर, हाँ, हिंदू जागरण मंच की ओर से 23 जुलाई को युवा वाहिनी के नेतृत्व में यहां पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद मनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की जो जयंती मनाई गई है उसके लिए हम सब लोग हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता आज यहाँ भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए, उनको याद किया गया, उनके जीवन में प्रकाश डाला गया और चंद्रशेखर आजाद जी के जो महान क्रांतिकारी थे उनके यादों के जो स्मरणीय स्मरण कराए सभी लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने, इस पर पुष्पांजलि भी आज अर्पित करी है और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सभी लोगों को यहाँ बताया गया।